पर गांव में भीमा और प्रताप ने साथ ही एक छोले भटूरे की रेड़ी डाली। भीमा और प्रताप बचपन के दोस्त थे, वो दोनों मिलकर काम किया करते थे और मुनाफा भी आधा आधा बांट लेते थे। ये ले भाई, इस महीने का आधा मुनाफा। अच्छा है, मुनाफा बढ़ता जा रहा है। दोनों दोस्त हमेशा मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। भीमा पैसे लेकर घर गया, उसने पैसे विमला को दे दिए। इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे। भीमा का परिवार खुश था। वहीं जब पैसे लेकर प्रताप घर गया, देख रही हो इस बार कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या देखूं, आधे पैसे तो वो भीमा ले जाता है। सोचो, अगर पूरे पैसे तुम्हें मिलते तो तुम हर महीने मेरे लिए गहने बनवाते, पर क्या फायदा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करो और बस आधा ही मुनाफा कमाओ। ऐसे क्यों बोल रही हो, भीमा भी तो मेरे जितनी ही मेहनत करता है। हाँ, पर रेड़ी आपकी, पैसे आपके और आधा मुनाफा वो कमाए, ये तो गलत बात है ना। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे पगार देते। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचेंगे, आप इतने भोले जो हैं, और वो भीमा आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। केतकी ने प्रताप के कान भर दिए थे। वो चाहती थी कि प्रताप को ही पूरा मुनाफा मिले। अगली सुबह जब दोनों ने रेड़ी खोली, सुन भाई, ये रेड़ी मेरी है, इस व्यापार के लिए पैसे भी मैंने लगाए, तो इस नाते ये व्यापार सिर्फ मेरा हुआ। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो मैं तुझे तनख्वाह दे सकता हूँ, पर मुनाफे में भागीदारी नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया भाई? मेरी आंखें खुल गई है, तू मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। भाई, इस व्यापार को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। तूने जो मेहनत की उसके पैसे तुझे मिल गए, लेकिन ये ठेला मेरा है, तुझे जमता है तो पगार पे काम कर ले। नहीं भाई, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। तो जा, चलता बन, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को नौकर रख लूंगा। ये बात सुनकर भीमा निराश हो गया, वो उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को ये बात बताई। पता नहीं आज अचानक प्रताप भाई को क्या हो गया, वो मुझे नौकर की तरह काम करवाना चाहता है। मैं सब जानती हूँ, ये सब उसकी पत्नी का किया धरा है, कोई जरूरत नहीं है उसके पास नौकरी करने की, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है, चलो मैं बाजार में काम देख कर आता हूँ। भीमा बाजार में गया और कई दुकानदारों से काम के बारे में बात की, पर किसी के पास भीमा के लायक कोई काम नहीं था। भीमा उदास हो गया। सांझ होते ही भीमा घर लौटा। भीमा का चेहरा देखकर विमला समझ गई थी कि उसे कोई काम नहीं मिला है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको आज काम नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए। अगले कुछ दिनों तक भीमा यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। यहाँ प्रताप ने एक बावर्ची को काम पर रख लिया था और उसका छोले भटूरे का ठेला पहले से भी अच्छा चल रहा था। एक शाम की बात है, तो हमारे बचत के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना ही होगा। मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मुझे छोले भटूरे के सिवा कुछ बनाना आता ही नहीं है। तो पापा, आप वही बनाइए। क्या? सही तो कह रही है बच्ची, आप भी अपने छोले भटूरे की रेडी डाल दीजिए, रेडी खोलने के पैसे तो है ही हमारे पास। पर मैं अकेली रेडी कैसे संभालूंगा? मैं और शीतल है ना, हम आपकी मदद कर देंगे, और क्या पता अगर भगवान की कृपा रही तो आपकी रेड़ी बहुत मशहूर हो जाएगी। हाँ, रेड़ी तो मैं खोल ही सकता हूँ। विमला ने भीमा को प्रोत्साहित कर दिया, अब वो खुद की छोले भटूरे की रेड़ी खोलने वाला था। कुछ दिनों बाद भीमा ने गांव के बाजार के बीचों बीच अपनी छोले भटूरे की रेड़ी लगाई। उसकी पत्नी विमला भी उसकी मदद कर रही थी, विमला भटूरे तल रही थी। अरे आओ आओ, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ, आओ आओ। भीमा की आवाज गांव वालों के लिए जानी पहचानी थी, इसलिए गांव वाले तुरंत उसकी रेड़ी पर आ गए। अरे भीमा भैया,
आप खुद अपना बिजनेस खोल लिए। लगाइए एक प्लेट छोले भटूरे। जी। भीमा ग्राहकों को छोले भटूरे देता गया। भैया आपके हाथ के छोले भटूरे की बात ही अलग है, हम तो ये स्वाद मिस कर रहे थे। भीमा खुश था कि गांव वाले उसके ठेले पर छोले भटूरे खा रहे थे, पर ये बात जब प्रताप को पता चली। अच्छा तो अब ये मेरा धंधा खाना चाहता है, अब इसे बताता हूँ मैं। प्रताप ने छोले भटूरे का दाम 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया। अब सारे गांव वाले यहीं आएंगे। अब आएगा मजा। प्रताप के दाम घटते ही गांव वाले उसकी रेड़ी पर जाने लगे। प्रताप का प्लान काम कर रहा था। अब भीमा परेशान हो गया। 20 रुपए प्लेट बेचकर उसे बहुत ही कम मुनाफा होने वाला था। अब क्या करें, 20 रुपए में प्लेट तो नहीं बेच सकते ना। थोड़ा सब्र करते हैं, हो सकता है कि एक दो दिन में वो भी दाम बढ़ा दे। 20 रुपए प्लेट में तो उन्हें भी नहीं जमेगा। हाँ हो सकता है, वैसे भी गांव वालों को मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद हैं, तो वो यहाँ जरूर आएंगे। भीमा ने दाम नहीं घटाए और इस वजह से भीमा के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। भीमा और विमला परेशान थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और उनकी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर क्या करें? तभी उनके ठेले पर एक फकीर आता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है। आप बैठिए बाबा, मैं भटूरे छानती हूँ। विमला ने भटूरे बनाए और भीमा ने छोले भटूरे फकीर बाबा को दे दिए। फकीर काफी भूखा था, उसने फटाफट सारा खाना खा लिया। और लाऊं बाबा? नहीं बेटा, बहुत है, मेरी भूख शांत हो गई। तूने इस गरीब का पेट भरा है, अल्लाह तेरा भला करे। तू इतना परेशान क्यों है बेटा? अब क्या बताऊं बाबा, गांव में एक और छोले भटूरे वाला है, उसने छोले भटूरे का दाम घटा दिया और सारे गांव वाले वहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये धंधा बंद करना पड़ेगा बाबा। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तूने मुझ गरीब का पेट भरा है, अल्लाह तेरा दामन हमेशा भरा रखे। ऐसा कहकर उस फकीर ने अपने बोतल का थोड़ा सा पानी तेल की कढ़ाई में डाल दिया। आपने तेल में पानी क्यों मिलाया बाबा? ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, जादुई पानी है। अब से तू जो भी इस कढ़ाई में बनाएगी उसका आकार बड़ा हो जाएगा। विमला ने एक भटूरा तेल में डाला और डालते ही वो भटूरा कढ़ाई जितना बड़ा हो गया। हे भगवान, इससे तेरी सारी परेशानियां सुलझ जाएगी बेटा। अल्लाह मालिक, मैं चलता हूँ। फकीर बाबा विमला और भीमा को आशीर्वाद देकर चले गए और बड़े बड़े भटूरे देखकर गांव वालों की भीड़ लग गई। इतने बड़े भटूरे मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाए। भीमा ने दाम बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए, फिर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ प्रताप अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। अबे उस भीमा की तरह बड़े बड़े भटूरे बना। मालिक मैंने बहुत कोशिश की पर बन ही नहीं रही। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी करके बना वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। प्रताप के नौकर ने बहुत कोशिश की पर उसके बड़े भटूरे फूलते ही नहीं थे। धीरे धीरे प्रताप के ठेले पर ग्राहक कम हो गए और भीमा के ठेले पर बहुत ग्राहक बढ़ गए। दूर दूर से लोग भीमा के बड़े छोले भटूरे खाने आने लगे। भीमा मशहूर हो गया और अमीर भी। अब उसके दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे।